ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਸ ਕੀ ਗੰਨੇ ਕੇ ਰਸ ਕੀ ਖੀਰ ਆਈ ਹੈ। सरसों का साग दाल खीर प्रसाद वाहेगुरु जी। जिवें कि अजकल शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं तो सामने सूप का लंगर की सेवा हो रही है जी। थां थां ते लंगर की सेवा चल रही है हर मोड़ ते हर सैक्टर ते हर फेस ते। इत्थे असीं लंघ रहे सी ते इत्थे सूप का लंगर लिखा होया साहिबजादियां दी याद च। थैंक यू जी थैंक यू भाई जी। और भाई जी आ देखो जी कार च ही सूप की सेवा हो गई है। इन्हें प्यार नाल सेवादार सारी संगत नूं जो जो इधरों लंघ रहे हैं उन्होंने सूप की सेवा कर रहे हैं। वाहिगुरु जी। नगर कीर्तन जाते हुए इस गाड़ी में महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है सामने पंच प्यारे जाते हुए। अब पीछे जो ट्रक है इसमें कीर्तनीय जत्थे कीर्तन कर रहे हैं। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। कितना सोहना ट्रॉला बनाया हुआ कीर्तन करने लिए प्रॉपर जोरावर सिंह ना अपने दीदी के साथ चार साहिबजादे मूवी देख रहे हैं। चलिए फतेहगढ़ साहब अमन खान मत्था टेक। चलो चलिए चलो चलो जरावर सिंह क्या बात है भाई तुसी तो बहुत सोहना दुमाला बन के तैयार हुए हो। वाह जी वाह किथे जा रहे हो? फतेहगढ़ साहब। वाह हां जी जिथे छोटे पा तुसी तो बहुत सोहने लग रहे हो। इतना सोहना दुमाला सजाया ते इतना सोहना चोला पाया तुसी। वाह जी वाह बहुत सोहने लग रहे हो यार। वाह जी वाह बहुत ज्यादा सोहने लग रहे हो यार क्या बात है जोरावर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लेट्स गो देखो जी इधर देखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Yes. जो विजन दिखा रहे हैं मेरा बेटा मेरा बच्चा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। होर जी किदां सारे होप तुसी सारे वधिया होंगे। हाँ जी जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि अजकल शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं ते अज असीं दर्शन करन जा रहे हैं ते नतमस्तक होण जा रहे हैं जी गुरुद्वारा साहिब श्री फतेहगढ़ साहिब जी दे। ते आओ थोनू वी लै चलिए अपने नाल। बोले सो निहाल श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह चलो जी चलिए फतेहगढ़ साहब। हां जी आ देखो जी आपां फतेहगढ़ साहब लई निकल गए हैं
ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। देखो रोड दे दोनों साइड लंगर दी सेवा चल रही, किते चाह दे लंगर दी, किते प्रशादा सब्जी, किते कुछ किते कुछ। आ इत्थे लग्या है जी चाह दा लंगर। हर थोड़ी देर बाद संगत के लिए ना लंगर लगा हुआ है। जो भी संगत मत्था टेकने जा रही है, जो मत्था टेक के वापस आ रहे हैं, सभी के लिए लंगर की सेवा चल रही है। बहुत ही प्रेम भाव से जो भी पिंड रास्ते में आता है वो पिंड वाले इकट्ठे होके फिर लंगर की सेवा करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सारा दिहाड़ा एक मनाया जाता है। अभी देखो हार्डली हम 500 मीटर भी आगे नहीं आए, फिर से आगे लंगर, मतलब इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं ना संगत। मतलब जो आसपास के पिंड वाले हैं उन्होंने मिल के लंगर की सेवा लगाई हुई है, क्योंकि उन्हें पता है इसी रूट से संगत ने ऑल ओवर पंजाब से आना भी है, जाना भी है। तो हर रूट से जो जो रूट फतेहगढ़ से आपको कनेक्ट होते हैं, हर रूट पर आपको हर थोड़ी देर बाद लंगर मिलेगा, कोई ना कोई सेवा आप तक पहुंच जाएगी। देखो लड़के कैसे गाड़ियों में मतलब जा जा के रोक रोक के उन्हें लंगर की सेवा दे रहे हैं। वाहे गुरु वाहे, हाँ देखो जी रस की, गन्ने के रस की खीर आई है। देखो गाड़ी से जाने वाले हर संगत को, हर लोगों को रोक रोक कर कह रहे हैं कि लंगर छक के जाओ, गाड़ी साइड में पार्क कर लो, अच्छे से तबीयत से बैठ के लंगर छक के जाओ। इतनी ज्यादा सेवा, बच्चे क्या बड़े क्या सभी मिलके सेवा कर रहे हैं जी। ओ खोल ट्रे खोल, गन्ने के रस की खीर। हाँ देखो जी फिर लंगर लंगर पकौड़ी। हाँ जी तो हम एंटर हो गए हैं सरहंद फतेहगढ़ साहब। हाँ जी तो सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए आए हैं ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहब जी के, तो चल के नतमस्तक होते हैं, मत्था देखते हैं। दीवान टोडरमल जी ने मुगलों से ये जगह सोने के सिक्के खड़े रखकर ये जगह खरीदी थी। ये जगह वर्ल्ड में सबसे कॉस्टलीस्ट जगह है, सबसे महंगी जगह है। जगह पर फिर उन्होंने जगह खरीद कर छोटे साहेबजादों का अंतिम संस्कार किया था। तो आओ चल के मत्था देखते हैं। हाँ जी बच्चों आज आज बुद्ध। तो ये गुरुद्वारा साहब है जी ज्योति स्वरूप साहब, जहाँ पर छोटे साहबजादों का अंतिम संस्कार हुआ था। का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। खा लो बगल में।
अविनाशी कृपया परमेश्वर वो सो नाही भाव दीन मस्तीन प्रति रे हर राख राख वंदना की पिंड रोणी कल्याणी नंगल राय वगरनी गुरु का लंगर रोणी 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 हाँ जी, तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब श्री फतेहगढ़ साहब। आप मेरे सामने देख सकते हो, इस जगह पर छोटे साहिबजादों को मुग़लों ने नीहों में दीवार में जिंदे जन्म दिया था। उस स्थान पर जाकर हम नतमस्तक होंगे, मत्था टेकेंगे। दोनों हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये देख लिया वाहेगुरु जी। मम्मा कड़ा प्रसाद दी देग। वाह, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु। सामने जो इतिहास है, स्टेप बाय स्टेप उसकी तस्वीरों की एग्जीबिशन लगी हुई है। जोरावर अपने मम्मा से स्टोरी पूछ रहा है। एग्जीबिशन लगी हुई है पेंटिंग्स की, जहाँ स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग्स में दिखाया हुआ है कि पहले उन साहिबजादों को अरेस्ट किया, फिर उनको सूबा सरहद के सामने पेश किया, फिर वो शहीद हो गए, फिर लास्ट में माता जी भी उधर बच्चे नीहों में चिनवा दिए गए, इधर माता जी भी अपनी समाधि में लीन हो गए। वो माता जी की पेंटिंग है ठंडे बुर्ज में बैठे। वही मैं बता रहा था कि सब सीन स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग के द्वारा बताने की कोशिश की गई है कि वो टाइम कैसा था और कैसे सब कुछ हुआ था। वाह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। ये जो अंदर जो ब्राउन ब्राउन दीवारें हैं, उस टाइम की दीवारें हैं। जी ठंडा बुर्ज दर्शन करने आए हैं जी, ठंडा बुर्ज दे। अब बच्चे पहले ही पहुंच गए अगे।
चलो जी ये स्टोरी सी थे दादी जी जोरावर सिंह और फतेह सिंह नाल इस स्थान ते रही सी तीन दिन वाली ये सीगा ठंडा बुर्ज। सामने लंगर है जी सरों का साग मक्की की रोटी मक्खन लस्सी नाल सेवादार नंदेड़ साहब गुरु का लंगर चल रहा है जी तो चल के छकते हैं गुरु का लंगर। हाँ जी छकते हैं गुरु जी का लंगर सरसों का साग दाल खीर प्रसाद वाहेगुरु जी हाँ जी थोड़े मुंह तो स्मोक निकल रहा है धुआं निकल रहा है यश की छक रहे हो ओके अब देख दे किदा लंगर बन रहा है वाहिगुरु जी यहाँ सारा लंगर तैयार हो रहा है जी आप देख सकते हो कैसे सेवा चल रही है बच्चे क्या बुजुर्ग क्या सारे सेवा कर रहे हैं ये सारे सेवादार ने जी अपना रहने के लिए यहाँ बंदोबस्त किया हुआ है टेंट लगा के यहाँ सेवा चल रही है जी धन सेवा वाहिगुरु जी इत्थे भांडियां दी सेवा चल रही है जी और इत्थे लंगर दी सेवा वाह जी धन सेवा आ साग लंगर च बनना होना इन्ना सारा साग वाह चोने देखे तुसी लंगर कैसे बनता है वाह आ सारा लंगर इत्थे बनता है फिर देखो सेवा करते हैं सारे फिर लंगर छकांदे आ हाँ जी फतेहगढ़ साहब जी दे ते ज्योति स्वरूप साहब जी दे दर्शन भी बहुत सोहने हो गए जी नाल गुरु का लंगर भी छक लिया तो ठीक है जी अज का ब्लॉग फिर आप इतने एंड कर दे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।